हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अ न्यू व्लॉग। सो आपको देख के पता चल चुका होगा थंबनेल से और इस वीडियो में किया ये क्या हो रहा है। सो दिस इज़ माय चूड़ा रसम एंड कलीरा रसम। सो मेरी शादी का टाइमिंग था सुबह 11:30-12 बजे का, तो जो पंडित जी थे वो 6:30-6:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली पहुंच चुके थे हमारे घर पे और पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। तो सबसे पहले उन्होंने सबको कलावा बांधा एंड तिलक किया था, देन उन्होंने पूजा स्टार्ट करी थी। फिर एक प्रोसेस होता है कि चूड़े को दूध में भिगोया जाता है, तो वही दूध मेरे मतलब मामा जी को दे दिया था, बोला कि चूड़े को भिगो दीजिए। एंड मामी साथ बैठी हुई थी। फिर चूड़े को भिगोने के बाद में वो चूड़ा पहनाया जाता है, तो ये मेरी मामी जी हैं, ये मुझे चूड़ा पहना रही हैं। तो हमारे मतलब माना जाता है कि इसको भिगोया, पहले दूध में भिगोएंगे फिर चूड़ा पहनाएंगे, तो वही हमने भी किया सेम टू सेम। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सब लोग मुझे ही देख रहे हैं कि मतलब मैं चूड़ा कैसे पहन रही हूँ। ऑब्वियसली सब ब्राइड को ही देखेंगे, तो इस तरीके से सब चूड़ा पहन रहे हैं। और चूड़ा मैंने खुद की पसंद से लिया था। कहते हैं कि चूड़ा ब्राइड देखती नहीं है, तो हाँ मैंने देखा नहीं था, एटलीस्ट मतलब मैंने मार्केट में खुद से पसंद किया था, देन उन्होंने मेरे को मतलब ले लिया था, अपने पास रख लिया था और मुझे नहीं दिखाया था। नेक्स्ट ये कलीरे भी मेरी मामी जी ने मेरे पसंद से ही ली थी, तो पंडित जी ने सेम इसकी भी पूजा की थी। एंड या चूड़ा आई ब्रॉट फ्रॉम मतलब अट्टा मार्केट और कलीरे इज़ फ्रॉम चांदनी चौक, तो मुझे वहीं से ही पसंद आए। बिकॉज मुझे छोटे साइज़ में कलीरे नहीं चाहिए थे, मुझे लॉन्ग कलीरे चाहिए थे और छोटे कलीरे हर जगह मिले थे, अवेलेबल थे, बट लॉन्ग कलीरे कहीं अवेलेबल आसपास की किसी मार्केट में, अट्टा मार्केट में या मेरे नियर बाय जितने भी मार्केट थे वहाँ कहीं अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे चांदनी चौक ही विज़िट करना पड़ा था फॉर द कलीराज। तो मैंने फिर वहीं से लॉन्ग कलीराज अपने लिए लिए थे और सेम ये मतलब मैंने पसंद किए थे और मामी ने मुझे दिलाए थे एंड उन्होंने अपने पास ही रखे थे और आज मेरे सामने आए हैं। ये पंडित जी ने इसकी पूजा कर दी है एंड क्या कहते हैं, चूड़ा रसम होने के बाद में मैं पार्लर जाने वाली हूँ रेडी होने के लिए, और कलीरा जब बांधना होगा तो जब मैं रेडी हो जाऊँगी देन उसके बाद ही बांधने का प्रोसेस होगा, जो कि जो हॉल हमने बुक करा है मे बी कलीरा वहीं बंधेगा। तो आई डोंट नो कि माँ की क्लिप मेरे पास होगी नहीं होगी, तो अगर होगी तो मैं डाल दूँगी, नहीं होगी तो आई एम सॉरी मैं नहीं डालूँगी। तो ये इस तरीके से अभी चूड़े में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो अभी मुझे दोबारा से सही करके पहना दिया गया है। एंड हमारे में एक गाना बनने की रस्म होती है जो मामा जी के घर का होता है, तो वो पंडित जी ने मुझे पहनाया था और मेरे पास उसकी क्लिप है नहीं। तो वो जो है उसको क्या प्रोसेस होता है कि हम लोगों को मतलब ढकना पड़ेगा, उसी को मेनली होता है कि हम किसी के सामने नहीं आ सकते जब तक हम रेडी और शादी के लिए रेडी ना हो बेसिकली, तो तैयार व्यार ना हो पार्लर से जब तक। तो अब हमारी पूजा हो गई थी ऑलमोस्ट और पंडित जी ने लड्डू खोल दिए हैं सबको प्रसाद चढ़ाने के पहले, उन्होंने प्रसाद चढ़ाया भगवान जी को और फिर उसके बाद में हमें दे दिया सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से ही मेरी कलीरा रसम और चूड़ा रसम एक तरीके से ख़त्म हुई है और आप इंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। शांतिरेव शांति रावण शांतिरेदी सुख शांति। हमारे घर में किसी को रोग ना हो, दुख ना हो, दरिद्रता ना हो, आवंद देवे जो सर्वे कार्य आवंद दे नमः। हमें भूमि को प्रणाम करें। सर्वे वरेदानी अंधदुष्याणि भूषाणि सर्वे देशा सर्वेभ्यो नमः। क्या